हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग बात करेंगे, ये वीडियो स्पेशली मैं मदर्स के लिए बना रही हूँ, जो स्पेशली बिल्कुल न्यू बॉर्न मॉम्स बनी हैं उन लोगों के लिए, एंड न्यू डैडीज जो हैं, न्यू फादर्स हैं, वो भी देख सकते हैं, क्योंकि भाई बच्चा आप दोनों का ही हुआ है तो इक्वली आप भी अपनी वाइफ को सपोर्ट कर सकते हैं। तो ठीक है, अभी जो सबसे ज़्यादा कंसर्न जो लोगों के दिमाग में चलता है ना, वो चलता है कि हमें अपने बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग देना है, फॉर्मूला मिल्क देना है, या कोई और अल्टरनेटिव देना है। ठीक है, तो आज हम इसके बारे में बात करेंगे कि ब्रेस्ट फीडिंग, फॉर्मूला मिल्क या जो भी है, इन सब के क्या प्रोज कॉन्स क्या क्या होते हैं। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ, जैसे ब्रेस्ट फीडिंग है, ऑब्वियसली बात है, ब्रेस्ट फीडिंग मदर मिल्क जो होता है, जो माँ का दूध होता है, वो बिल्कुल नेचुरल और बहुत हेल्दी होता है बच्चे को फीड कराने के लिए। एंड उसके साथ साथ उसमें सारी के सारी न्यूट्रिएंट्स एंड एंटीबॉडीज होती है जो आपके बच्चे को ग्रो एंड डेवलप करने के लिए रिक्वायर्ड होती है। इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है कि मदर्स मिल्क इज द बेस्ट मिल्क एवर। ठीक है, ओके। अब क्या होता है कि जैसे आप बोलते हैं ब्रेस्ट, जब अगर आप ब्रेस्ट मिल्क देते हैं, ये बच्चे एंड माँ दोनों के लिए बहुत ज़्यादा सफिशिएंट होता है, एंड हेल्थ प्रोस्पेक्टिव से भी बहुत अच्छा होता है। जैसे कि जो मदर्स होती है उनमें पोस्ट पार्टम डिप्रेशन हो गया, या आप कह लीजिए डायबिटीज़ हो गया, हाइपरटेंशन हो गया, मतलब ये सब चीज़ें प्रोलॉन्ग लॉन्ग टर्म में भी नहीं होती है। जो हमारी अमेरिकन अकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स है, उन्होंने यही बोला है कि 6 मंथ तक तो आप अपने बच्चों को ब्रेस्ट फीड देते हैं, आप 1 ईयर तक उसको कंटिन्यू कीजिए, एंड अगर हो सकता है तो आप उसे 2 साल तक भी लेके जाइए, क्योंकि जिन बच्चों में 2 ईयर्स तक हम ब्रेस्ट फीडिंग दी जाती है ना, उन लोगों में मदर्स एंड बच्चों दोनों में बहुत अच्छे हेल्थ बेनिफिट्स देखे गए एज कम्पेयर टू उनके जो बच्चे 6 मंथ्स में ब्रेस्ट फीडिंग छोड़ देते हैं, या जो बच्चे फॉर्मूला मिल्क ही प्रॉपर लेते हैं। देखिए क्या होता है, जैसे मदर्स में हाइपरटेंशन हो गया, डायबिटीज़ हो गया, ओबेसिटी हो गया, एंड हार्मोनल चेंजेस हो गए, ये सब चीज़ें नहीं होती हैं। बच्चों में भी जो ओबेसिटी के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं वो भी नहीं होते, बच्चों की बॉडी काफ़ी ज़्यादा फिट एंड काफ़ी ज़्यादा हेल्दी रहती है, एंड वो कंपैरेटिवली और बच्चों से कम बीमार होते हैं, एंड होते भी है तो उनका रिकवरी जो टाइम होता है, रिकवरी फेज होता है, वो बहुत ज़्यादा फास्ट होता है। ठीक है, अब मैं आपको, देखिए सबसे पहले मैं आपको ये भी बताऊंगी कि कानों को मैं कौन सा वाला फीड कैसे देती हूँ, थी क्या है मेरी क्या जर्नी रही थी, मैं आपको वो भी थोड़ा सा बताऊंगी। तो अब दूसरा जैसा हमारा होता है कि फॉर्मूला मिल्क है, फॉर्मूला मिल्क ऑब्वियसली बात है कि उसमें आर्टिफिशियली न्यूट्रिएंट्स डाले गए हैं जो बच्चे को रिक्वायर्ड चाहिए, तो आप वो बच्चे को देते हैं। इसमें इसके कॉन्स देखिए यही हैं, इसमें प्रोस तो इसका ये है, अगर मैं इसके फ़ायदे की बात करूँ कि इसमें आपको प्रॉपर वो नहीं होता, जैसे ब्रेस्ट फीडिंग में क्या है, आपको स्टार्टिंग के टाइम में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है कि बच्चा लैच नहीं कर रहा है, या बच्चा प्रॉपर फीड नहीं ले पा रहा है, या आपको हर 2-2 घंटे में बच्चे के पास रहना होता है फीड कराने के लिए, तो बहुत ज़्यादा आप टायरिंग फील करते हो, बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हो फीड कराते हुए। ये स्टार्टिंग के फेज़ की बात बता रही हूँ मैं। फॉर्मूला मिल्क में देखिए क्या होता है कि आप एक बात बताइए, फॉर्मूला मिल्क में आपके प्रोज हो गए कि आपको फैमिली में कोई भी हेल्प कर देगा, ठीक है, वो कर देगा कि भाई बच्चे को बॉटल से ही दूध पिलाना है तो कोई भी पिला देगा, आप वर्क या कोई भी कंडीशन में आप कहीं जा रहे हो तो आपको अपने बच्चे के टाइम पे फुल टाइम नहीं रहने की जरूरत है, आप बच्चा फॉर्मूला मिल्क ले रहा है तो आप वो ले सकते हैं। पर फॉर्मूला मिल्क में बच्चों को कॉन्स्टिपेशन, गैस्ट्राइटिस और ईयर इन्फेक्शन, लंग इन्फेक्शन, इनके चांसेस भी बहुत ज़्यादा होते हैं फॉर्मूला मिल्क के थ्रू। तो देखिए ये होता है। अब तीसरा जो होता है ना अल्टरनेटिव, वो होता है कि जैसे आपने बॉटल यूज़ करा एंड ब्रेस्ट मिल्क को पंप करके रख दिया, आप उसके दे सकते हैं, या कोई थर्ड पार्टी ब्रेस्ट मिल्क सप्लायर है वहाँ से आपने सप्लाई किया। ये मोस्टली बाहर के कंट्रीज़ में बहुत ज़्यादा होता है कि अगर आप ब्रेस्ट नहीं दे सकते तो वो फॉर्मूला मिल्क नहीं देते हैं, वो क्या करते हैं, वो उन कंपनीज़ को टाई अप करते हैं जो ब्रेस्ट मिल्क होता है ना उनका स्टोरेज करती है, क्योंकि ब्रेस्ट मिल्क आप 1 ईयर तक भी स्टोर कर सकते हो, तो वो वहाँ से रोज का सप्लाई करते हैं। जैसे हमारा रोज का पर डे दूध आता है ना, ऐसे वहाँ पे बच्चों का ब्रेस्ट मिल्क आता है रोज का, जिसको वो फिर वार्म करके बच्चों को देते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं वो भी इस चीज़ के फेवर में है कि बच्चे को ब्रेस्ट मिल्क ही देना चाहिए। और आपने देखा होगा बाहर की कंट्रीज़ में मेजोरिटी ऑफ द वेमेंस ब्रेस्ट मिल्क ही देती है बच्चों को, ठीक है, तो ये अल्टरनेटिव होती है। अब मैं बताऊँ, अब कुछ लोग बोलते हैं कि हम बच्चे को काऊ मिल्क देंगे, तो आज मैं काऊ मिल्क की बात नहीं करूँगी, कल मैं आपसे काऊ मिल्क की बात करूँगी कि बच्चे को ब्रेस्ट मिल्क, फॉर्मूला मिल्क और काऊ मिल्क कब कौन सी एज में देना है, मतलब आपको फॉर्मूला मिल्क देना है या काऊ मिल्क देना है, इन दोनों में से कौन सा मिल्क आपको बच्चे को देना है, काऊ मिल्क क्यों नहीं देना है या क्यों देना है, जो भी इसकी डिटेल है ये मैं आपसे कल बात करूँगी। आज हम सिर्फ ब्रेस्ट मिल्क और फॉर्मूला मिल्क के ऊपर ही डिस्कस करेंगे। देखिए क्या होता है, ऑब्वियसली बात है ब्रेस्ट मिल्क का सबसे फ़ायदे मैंने आपको सारे बता दिए, ठीक है। देखिए स्टार्टिंग का जो फेज़ होता है ना 6 वीक्स का, ये तो आपके लिए थोड़ा प्रॉब्लमेटिक रहेगा, रोलर कोस्टर रहता है, अप डाउन्स आते हैं, पर मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस एंड मेरी प्रॉपर स्टडी
और रिसर्चेस और मेरे एक्सपीरियंस एज अ मदर के अकॉर्डिंग, जो आपका ब्रेस्ट मिल्क होता है ना, ये कभी भी ऐसा नहीं होता कि आज आपका बेबी डिलीवर हुआ है ना, अगर आपको बहुत ज़्यादा मिल्क आने लग जाएगा, ऐसा नहीं होता है। आपको ब्रेस्ट मिल्क जो होता है वो ऑन डिमांड बढ़ता है, जैसे जितना बच्चा पीता है ना उतना ज़्यादा बढ़ता है। अब जैसे मैं आपको एक चीज़ बोलती हूँ, जब मेरा कानू हुआ था उसको, जब जैसे जस्ट वो हुआ था, तो उस समय पे होता है कि जस्ट होते ही आपका लैक्टेशन स्टार्ट होने में 2-3 घंटे लगते हैं, तो कानू को 1 स्पून ऑफ नैनप्रो डॉक्टर ने वहाँ पे दिया था 1 स्पून। एंड टच वुड, 20 नवंबर 2020 में हुआ है, उस दिन का वो 1 स्पून आज वो मोर देन 3 ईयर्स हो गया, 3.5 ईयर्स का हो गया, आज तक उसको एक भी 1 स्पून ऑफ फॉर्मुला मिल्क हमने नहीं दिया है। 1 ईयर तक वो प्रॉपर एक्सक्लूसिवली ब्रेस्ट फीड पे था। अब वो स्कूल जाता है तो मॉर्निंग में एनिमल मिल्क पीता है आफ्टर 1 ईयर, एंड उसको वो, और मैं आपके पास बताऊँ, मैं अभी भी उसको ब्रेस्ट फीड कराती हूँ, मतलब मैं, मेरा फीड अच्छा आता है अभी तक, वो 3.5 ईयर्स का हो गया, मेरा ब्रेस्ट फीड अच्छा आता है, तो मैं उसको अभी भी ऑफिस से जाने के बाद शाम को एंड रात को सोने से पहले मैं उसको देती हूँ, बिकॉज मैं इस चीज़ में बिलीव करती हूँ कि बच्चों का, एक कुछ लोगों का होता है ना कि बच्चा 6 मंथ्स का हो गया, 1 ईयर तक हो गया, तुम इसको क्यों ब्रेस्ट फीड दे रहे हो, मत दो इसको। देखो मैं आपको ये बात बताऊँ, ये हम लोगों ने ना इस चीज़ को बहुत ज़्यादा एक फैशन और बहुत ज़्यादा एक शोशा बना दिया है कि हमारी लाइफस्टाइल, हमारा सब चीज़ें खराब हो रही हैं, हमारा आना जाना खराब हो रहा है, तो बच्चे को 6 मंथ्स तक करो, अभी सॉलिड खा रहा है, अब इसको छोड़ो, बाहर का दूध लगाओ, बाहर का खाना खिलाओ, दैट्स इट। ऐसा नहीं होता। अपने बच्चे को कभी भी, लोग क्या करते हैं, अपने बच्चे को दूसरे रूम में छोड़ देते हैं 1-2 दिन के लिए, 1-2 रात के लिए, कि ये ब्रेस्ट फीड छोड़ देगा। कैन यू इमेजिन उस बच्चे के इमोशनली उस चीज़ पे क्या फ़र्क पड़ रहा है, कि आप उसकी, वो अपनी मदर से दूर है, एंड उसको ये भी नहीं पता कि उसकी मदर ने उसको इसलिए दूर किया है कि जस्ट बिकॉज वो अपनी माँ का दूध ना पिए। मतलब I don't think this actually makes some sense. मैं इस चीज़ में बिल्कुल भी believe नहीं करती हूँ as a doctor, especially and as a mother. मैं कानों को कभी भी वो emotional stress नहीं दूंगी। देखिए जब बच्चा बड़ा होता है ना, धीरे धीरे करके वो चीज़ें छोड़ देता है। आपने कोई 5-6 साल का, 4 साल का बच्चा नहीं देखा होगा जो ऐसे प्रॉपर पूरे दिन आपसे फीड मांगेगा। कानों मेरे से पूरा दिन कोई फीड नहीं मांगता जिस दिन मैं छुट्टी पे होती हूँ। उसको रात को सोने से पहले चाहिए तो मैं उसको देती हूँ, और मैं उसको दूंगी जब तक उसको मेरा है फीड और जब तक वो ले रहा है, ठीक है। तो इस चीज़ को ना बहुत ज़्यादा आजकल लोगों ने शोशा बना दिया, जबकि खुद की अमेरिकन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स ने बोला है कि आप 2-2.5 ईयर्स तक बच्चे को फीड देंगे तो आपकी और आपकी बच्ची दोनों की हेल्थ में आगे जाके बहुत अच्छा इम्प्रूवमेंट आएगा। मेरी भी एज है, आई एम 30+, मेरा बेबी है, सब कुछ है, एट द छोट, आई डोंट हैव अ सिंगल इशू ऑफ एनी हेल्थ रिलेटेड, आई एम टोटली फिट। मतलब मैं इतनी फिट हूँ ना कि मैं 18 घंटे काम करती हूँ, कैन इमेजिन, मैं 5-6 आवर्स सोती हूँ, 6 आवर्स भी नहीं सोती हूँ, मैं मोस्टली 5 आवर्स ही सोती हूँ, एंड रेस्ट ऑफ द टाइम मैं पूरा दिन काम करती हूँ, सुबह उठने से लेके खाना बनाने से लेके ऑफिस आना, ऑफिस से घर जाना, घर का खाना देखना, बच्चे को देखना, उसकी पढ़ाई देखना, नेक्स्ट डे की प्रिपरेशन देखना, ऑल आई डू अलोन, और मैं बहुत अच्छे से एक्टिवली करती हूँ। मुझे कभी भी ये फील नहीं आया आज तक कि अरे यार मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ, या मुझे रेस्ट की जरूरत है, या मुझे बैठना, ये चीज़ मुझे नहीं आई है। और दूसरा यही है कि मैं कानों को, या मैं चाहती हूँ कि कोई भी मदर अपने बच्चे को इमोशनल स्ट्रेस ना दे, क्योंकि बच्चे बहुत छोटे होते हैं, दे डोंट नो कि आपका उस चीज़ के पीछे क्या रीज़न है, क्या टारगेट है कि आप अपने बच्चे को यू नो किसी और रूम में छोड़ रहे हो 1-2 दिन के लिए जस्ट बिकॉज कि वो फीड ना ले। देखिए कुछ कंडीशंस ऐसी हो सकती है, मैं मानती हूँ कि आप, ये कोई मेडिकल कंडीशन है जो आपको अलाउ नहीं कर रही है, या आपकी कोई हेल्थ डिटोरेशन है जो आपको अलाउ नहीं करेगी आप अपने बच्चे को और फीड दो, तो वो एक अलग बात है, उसमें आप स्टेप ले सकते हैं। मेरे भाई बोला ना, हर किसी के लिए ये नहीं है, पर हाँ मैं ये कहना चाहती हूँ ये उन्हीं लोगों के लिए है कि जो का ब्रेस्ट फीड है, हेल्थ अच्छी है, सब कुछ अच्छा है, जस्ट बिकॉज ऑफ सम ऐसी इलॉजिकल रीजंस वो बच्चे का ब्रेस्ट फीड छुड़ाना चाहते हैं। आपने कभी सोचा आपकी दादी, आपकी मम्मी और दादी वाली जनरेशन थी, उन्होंने अपने बच्चों को कितने लॉन्ग टर्म तक फीड कराया, कभी देखा है? आपकी दादी नानी आपको बताती होंगी कि अरे तेरी मम्मी ने तो मेरा 3-4 साल तक दूध पिया, तेरे पापा ने तो मेरा इतने लॉन्ग टर्म तक फीड लिया। आपने देखा है आपके पेरेंट्स की हेल्थ, आपके दादा दादी की हेल्थ में और आज के बच्चों की हेल्थ में कितना ज़्यादा डिफरेंस है, क्योंकि उस समय पर वो नेचुरल चीज़ों पर ज़्यादा फोकस करते थे, और उस समय में वो बाहर का मिल्क ये सब नहीं देते थे, मेन फोकस उनका ब्रेस्ट मिल्क ही होता था। तो देखिए मैं आपको बताऊँ, ब्रेस्ट मिल्क जो बढ़ता है ना वो सप्लाई डिमांड के ऊपर बढ़ता है। स्टार्टिंग में ब्रेस्ट फीड नहीं आएगा, 2-3 दिन तक बहुत प्रॉब्लम होगी, आपको लगेगा मुझे नहीं आ रहा है, उस समय भी लोग सबसे ज़्यादा यू नो डीमोटिवेट हो जाते हैं कि अरे यार मुझे ब्रेस्ट मिल्क, ब्रेस्ट फीड नहीं आ रहा है, छोड़ो फॉर्मुला मिल्क पे जाओ। ऐसा नहीं होता है, आप टाइम दो अपने आप को, लेट द हार्मोन रिलीज प्रॉपरली जो आपके ब्रेस्ट फीड को बढ़ाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, लैक्टेशन से बात, जो लैक्टेटिंग डॉक्टर है उससे बात करो आप, ठीक है, लैक्टेशन से कंसल्ट करो। जब डिमांड होगा ना, जितना बच्चा दूध पीता है उतना दूध बनता है, ये मैं आपको फैक्ट बता रही हूँ। कानू स्टार्टिंग में हुआ था, 15-20 डेज तक मैंने खुद डील करा था, मुझे बहुत प्रॉब्लम होती थी, मुझे इनफैक्ट ये लगने लग गया था कि मुझे दूध नहीं आएगा शायद,
और मैं भी एक बार को सोचने लगी थी कि क्या मैं फॉर्मूला मिल्क पर स्विच हो जाऊँ। देन आई थॉट कि नहीं यार, अगर मुझे मेरे बच्चे की हेल्थ देखनी है ना, देखो अगर मेरा ही रीज़न होता कि मुझे आ ही नहीं रहा है या मुझे कोई मेडिकल कंडीशन है तो मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था। पर अगर मैं स्विच कर रही हूँ जस्ट बिकॉज मुझे थोड़ी सी मेहनत करनी है, थोड़ा सा पेशेंस रखना है और उसको मैं स्किप करके फटाफट से फॉर्मूला मिल्क के ऊपर स्विच कर रही हूँ, तो मैंने एक दिन अपने आप को रात को यही सोचा कि भाई या तो बच्चे को अपना नेचुरल दूध दे के हेल्दी रख ले। सीरियसली मैं एक दिन रात को मैं बहुत डिप्रेशन में आ गई थी, मुझे ये लग रहा था कि मेरा दूध नहीं आ रहा है, अब मैं फॉर्मूला मिल्क पे जा रही हूँ क्योंकि बच्चा भी बार बार जग रहा है, मैं भी जग रही हूँ। उस समय स्टार्टिंग में आपकी नींद भी बहुत ज़्यादा ख़राब होती है। मैंने एक दिन रात को खुद से सोचा कि पूजा एक बात बता, आज तो बच्चे को नेचुरल दूध दे रही है अपना, वो ज़्यादा अच्छा है या कल के टाइम में तो उसे फॉर्मूला मिल्क देगी, बॉटल को स्टरलाइज करेगी, बॉटल को वॉश करेगी, उसमें भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बैक्टीरियल या कोई भी इन्फेक्शन रह जाएगा और बच्चे का तबीयत ख़राब हो जाएगा, उसको गैस का प्रॉब्लम होगा, उसकी हेल्थ इश्यू होगा कि तू उस चीज़ से डील करेगी। सीरियसली उस दिन मुझे क्लियर हो गया था कि मैं बच्चे की हेल्थ के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकती हूँ। अगर मुझे उसके लिए खुद को चेंज करना है या मुझे खुद को स्ट्रगल करना है तो मैं खुद पे स्ट्रगल करूँगी, मैं खुद को परेशान देख सकती हूँ, मैं बच्चे को है परेशान नहीं देख सकती जस्ट बिकॉज मुझे ब्रेस्ट फीडिंग से इशू हो रहा है। तो सीरियसली उस दिन का दिन था, मैंने बहुत वर्कआउट किया, सौंफ का पानी पी और बहुत उसको जितनी बार भूख लगती थी उतनी बार मैं उसको फीड देती थी, अच्छे से बहुत देती थी। विद इन वन मंथ मेरा मिल्क सप्लाई इतना अच्छा हो गया था, इतना अच्छा हो गया था ना कि मैं आपको बता नहीं सकती, मतलब इट वॉज फुल पूरे टाइम। एंड आज भी कानून 3.5 साल का हो गया है, मैं ब्रेस्ट मिल्क सप्लाई इज़ द बेस्ट एवर, अभी भी वो बहुत अच्छा है। तो ये चीज़ होती है देखिए। और दूसरा ये होता है फॉर्मूला मिल्क आप तब दे सकते हैं कि जब बच्चे को यार प्रॉब्लम है ना, कि आपको प्रॉब्लम है कि आप नहीं उसको मेडिकली दही दे सकते या बच्चे के साथ नहीं रह सकते, मतलब कोई भी ऐसा रीज़न है कि आप उसके पास नहीं हो। पर अगर आप उसके पास हो देन गो फॉर ब्रेस्ट मिल्क ऑलवेज। स्ट्रगलिंग है पर ऐसा मतलब आप स्ट्रगल करो, बच्चे की लाइफ और बच्चे की हेल्थ को स्ट्रगल मत होने दो इन चीज़ों के लिए, मैं आपको यही बोलूँगी। और दूसरा ये भी होता है कि फॉर्मूला मिल्क में बॉटल को कितनी बार स्टरलाइज करते हो यार, कितनी बार आप उठ के किचन में जाओगे, बच्चे का पानी गर्म करोगे, बच्चे का दूध लोगे, उस दूध में भी क्या होता है, आप अगर विद इन हाफ एन आवर वो बच्चे ने पी लिया तो ठीक है, अदरवाइज वो ख़राब हो गया, आपको फेंकना पड़ेगा। आप सोचो वो कितना ज़्यादा आपको पॉकेट फ्रेंडली भी नहीं पड़ रहा है, मतलब आपको कितना ज़्यादा एक्सपेंसिव पड़ रहा है आपको, वो अननेसेसरी, क्योंकि बच्चा नहीं पीता। कितने बार बच्चे को किसी और वजह से भूख लगी होती है, मतलब किसी और वजह से वो रो रहा होता है, आप उसको फॉर्मूला मिल्क बना के देते थे, उसके बाद क्या होगा भाई, बच्चा नहीं पी रहा है, वो वेस्ट हो गया, आपका पैसा भी वेस्ट गया। मैंने कितने लोगों को ट्रैवलिंग में भी देखा है कि लोग मेट्रो में हैं, लोग बसेस में हैं, लोग ट्रेन्स में हैं, 3-3, 4-4 बॉटल लेके चल रहे हैं, पानी की बॉटल, दूध की बॉटल लेके, उसके पीने की बॉटल, सबको मिक्स कर रहे हैं, बैठ के बच्चे को पिला रहे हैं। देखिए अगर आप नहीं कर सकते ब्रेस्ट फीड तो आप ऑब्वियसली बात है आप इस पे ही जाइए, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। पर अगर आप दे सकते हैं देन ऑलवेज गो फॉर अ ब्रेस्ट फीड। मैंने कानू को हर जगह फीड कराया और कभी भी ना पब्लिक प्लेस पर शर्म आना नहीं है कि मैं कहाँ फीड कराऊँ, मैंने उसको कार में, मेट्रो में, बस में, ट्रेन में, फ्लाइट में, एवरीवेयर, क्योंकि मेरे लिए बच्चे का भूखा रहना, उसको फीड देना इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन पब्लिक क्या सोचेगी, पब्लिक क्या देखेगी, दैट डजंट मैटर टू मी। तो मैंने उसको हर जगह फीड कराया है, जब भी वो जहाँ रोता था मुझे लगता था उसे फीड चाहिए, मैं अपने साथ हमेशा एक स्कार्फ टाइप रखती थी और मैं उसको फीड कराती थी। तो देखिए ये होता है और आपको हमेशा इस चीज़ पे ध्यान रखना है कि हम आप टाइम दीजिए कुछ को, स्टार्टिंग का जो फेज़ होगा वो थोड़ा सा अप एंड डाउन होगा, रोलर कोस्टर होगा, उसके ऊपर नहीं जाना आपको, अपने आप को टाइम दीजिए, बच्चे को टाइम दीजिए, सब चीज़ें बहुत बढ़िया होंगे। ओके देन गो फॉर ब्रेस्ट मिल्क ऑल्सो, मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग मैं आपको सब बता रही हूँ। और अगर आपका है कोई कंडीशन इशू है, आप नहीं उस चीज़ को ओवरकम कर सकते हैं, देन ऑलवेज गो फॉर फॉर्मूला मिल्क टिल 1 ईयर। पर प्लीज़ 1 ईयर तक एनिमल मिल्क मत देना, बहुत सारे रीजंस हैं जो हम नहीं देते हैं ना रिकमेंड करते हैं एनिमल मिल्क। और मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, मैं आपको कल वाले वीडियो में बताऊंगी कि आपको 1 ईयर तक एनिमल मिल्क क्यों नहीं देना है एंड फार्मूला मिल्क भी देना है तो कौन सी एज पे कौन सा आपको फार्मूला मिल्क देना है, ठीक है? तो इसके बारे में हम कल बात करेंगे, आज मैंने आपसे सिर्फ ब्रेस्ट मिल्क और फार्मूला मिल्क के बारे में ही बात करी है। तो ठीक है, थोड़ा सा पेशेंस रखिए, हैप्पी रहिए, अपने पार्टनर की फैमिली की हेल्प लीजिए। और आप चाहो तो मैं कुछ वीडियोस बना दूँगी जो जिन्होंने मुझे हेल्प करी थी मेरा ब्रेस्ट मिल्क सप्लाई को बढ़ाने के लिए, तो आप उस पर भी फोकस कर सकते हैं। और प्लीज़ अपने बच्चे का हेल्थ का सबसे प्रायोरिटी पे ध्यान रखिए और उसके बाद अपनी हेल्थ का प्रायोरिटी पे ध्यान रखिए एंड बाकी तो सब अच्छा ही चलता रहेगा, ठीक है? ओके, तो आज के लिए इतना ही, सो बाय बाय, टेक केयर।